और ज्वाइन कर एक भाई और मैं तो फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ उनसे। उनका नाम है भाई रोहित पहाड़ी व्लॉग्स, मे भी आप लोग जानते हो। कैसे हो आप लोग? बढ़िया है। कैसे हैं आप लोग? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और भाई आज का व्लॉग शुरू हो चुका है भाई, अभी हो चुकी है दिन, हो चुकी है भाई, दिन का 2 बजने वाला है। तो अभी का सीन ये भाई, अभी मेरे को जाना है कहीं, और भाई वो कहीं जाना है अंशुल भाई के संग जाना है। तो भाई अंशुल रस्तोगी व्लॉग्स अपना भाई है, तो उसके संग जाना है भाई। अभी थोड़ा बहुत ऊपर को जाके आते हैं, घूम के आते हैं हल्का फुल्का। और भाई आजकल चल रहे हैं अपने एग्जाम्स, तो भाई उसकी भी तैयारी है, तो अभी चले जाते हैं। शाम को जाना था बट मैंने शाम का छोड़ के अभी शुरू कर दिया, मतलब अभी का वो कर दिया, प्लान कर दिया। अभी का इसलिए कर दिया क्योंकि भाई शाम को आगे अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे, और अंशुल भाई को भी कहीं जानता, वो भी चले जाएंगे। तो भाई अभी सीधा चलते हैं अंशुल भाई के वहाँ, और अंशुल भाई के साथ फिर सीधा चलते हैं भाई ऊपर को। अंशुल भाई बंद है, बंद है, बंद। अरे कैसे हो? हल्द्वानी की तरफ आ रहे हो? बढ़िया भाई, मतलब गिफ्ट लाया हूँ। क्या बात है भाई, अभी मजा आ गया अंशुल भाई के लिए। एक मिनट बैठना, ठीक है। तो भाई आ चुका हूँ मैं अपने बहुत कर्मठ भाई। तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अभी मैं जिसके वहाँ आया हूँ ना भाई, ये नेतागिरी के लिए खड़े हो रहे हैं भाई इस बार मेले के लिए। ऐसा क्यों भाई खड़े हो रहे हो क्या तुम? टाइट शर्ट लग रही इसलिए? नहीं वैसे तुम बताओ, नहीं, नहीं। मुझे किसने बोला था? पागल हो रहेगा भैया। देखो ये पॉलिटिक्स और ये रिलीजन के ऊपर लड़ाई वड़ाई, इन चीजों से मैं थोड़ा अवॉइड रहता हूँ। क्या करना भाई, इंसान को अपनी लाइफ में फोकस करना चाहिए। और चीज है एक्चुअली, मुझे जिसने बोला है वो भी अपना खासी, अपने चचा है। चचा, अब चचा कौन है तुम्हें बताइए? अच्छा चचा कह रहा है। आज चचा का फोन आया था, चचा कह रहे थे। चचा कह रहे थे चचा भाई, चचा जी आप खड़े हो रहे वाला इस बार, अकेला उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। और आजकल चचा फ्री भी बहुत हो रहे, पता नहीं क्यों। चचा बहुत फ्री है, चचा फुल टाइम है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमारा तो फोन ही नहीं उठा दे रहे हो। हमारा तो भैया बड़े लोग हैं। क्या चल रहा है हैंगर? क्या इतना किसको दिखा दो तुम? क्या कर रहा हूँ इतना हेयर हेयर ड्रायर? क्या थोड़ा बार बार निकल ले, कंगा नहीं मार रहा कम से कम, यही मार ले। और शैम्पू क्या है ना, उसको बाल सेट नहीं हो रहे दोस्तों। ये बियर्डो वाला कितने का है? होता होगा 1300-1400 रुपये का शायद। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। सारी चीजें पड़ी है बियर्डो की अपने पास ना, तो ये सस्ता बियर्डो यूज कर दो। हाँ बट अब और भी चीजें यूज कर रहा हूँ, शैम्पू चेंज कर लो। नेता बनने वाले शैम्पू लो। कुल मिला के हमें दोनों को कुछ मिलना है नहीं, मेरे फोन में स्टोरेज ही नहीं जो मैं ब्लॉग बनाऊंगा यार आज। बात तो ये, चलो यार थोड़ी देर बंद करता हूँ कैमरे को, कर दो फिर। नहीं चला ले, बना तू तो बना भाई। हल्द्वानी में धूप भी बहुत अच्छी आ गई यार। हाँ यार धूप तो अच्छी खासी हो रही है, जरूरी थी। सारे कपड़े सूख जा रहे हैं, तो धोके डाल रहे हैं, पहले नहीं सूख रहे थे। चलो मेरे को इतना तो कपड़े तो नहीं धोने पड़ते हैं आजकल। ये तुम्हारे घर पे मम्मी धोती हैं? हाँ मम्मी लोग हैं ना घर में। अपना भाई हल्द्वानी में तो थोड़ी दिक्कतें हैं, कोई नहीं, लेकिन करना पड़ेगा भाई काम के लिए, तो काम के लिए करना पड़ता है सब चीज़ें। माइक यहाँ रखा है कैमरा मैन का। तो अंशुल भाई तुम फेमस हुए ना यार। अच्छा तू रिकॉर्ड कर रहा है क्या सब? नहीं अभी करा, अभी करा। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब वो जो तो भाई अभी हम दोनों भाई निकल चुके हैं थोड़ा बहुत ऊपर के लिए, ठीक है। अभी तो लोकल में है क्योंकि अभी हमारे और ज्वाइन कर एक भाई और मैं तो फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ उनसे। उनका नाम है भाई रोहित पहाड़ी व्लॉग्स, मे भी आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो आज मेरे ब्लॉग के थ्रू जानते ना, वैसे जानते होगे, मतलब बंदा भाई थोड़ा बहुत फेमस है ही। तो भाई अपना भाई आ रहा है रोहित पहाड़ी व्लॉग्स, मतलब मेरे से तो बहुत बड़े पहचान जाओगे। बाकी अंशुल भाई है ही और रोहित भाई अभी आ ही रहे हैं, और बाकी आज फुल पावर थोड़ा बहुत ऊपर को जाने का प्लान है अपना। फुल पावर तरीके से जाते हैं भाई अभी। तो अंशुल फुल पावर है? फुल पावर मैम, फुल पावर। तो भाई बस हल्द्वानी की सड़कों पे चल रहे हैं, धूप एंजॉय कर रहे हैं, धूप तो विटामिन डी ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं हम जादू की तरह ना, धूप धूप। ओ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भाई हल्द्वानी में धूप कम ही आ रही है आजकल। आ जाती है वैसे आजकल, तो आ रही है आजकल, तो आ रही है आजकल। आज ठंडा हो गया था थोड़ा सा। हाँ बाकी ठंडा आजकल में ठंडा भी बहुत बड़ा है भाई सुबह सुबह, बट अभी तो देख लो शर्ट में हूँ मैं। अंशुल भाई हमारे रोज भाई सौरभ जोशी व्लॉग से मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ मिल रहा है इनको। दूसरी वीडियो है भाई, सिस्टम तो है तुम्हारा। और तुम थार के अंदर बैठे थे क्या? हाँ उसकी थार के अंदर तो था ना, साथ में घूम रहे थे, नैनीताल घूमे भाई साथ में। क्या बात कर रहे हो? और क्या सौरभ के साथ 1 घंटा नैनीताल घुमा हूँ मैं। कब की बात है? 2 साल हो गए जब वो यहाँ आया था उसके आने के, 1.5 महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद। तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई थी उस टाइम में, बॉन्ड तो सही था। फिर साथ वाले कुछ होते हैं जो खतरनाक हो जाते हैं, जो तो अगर जैसे कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो बस कोई अगर बुराई करे तो साथ में तुम भी लपेटे जाओ वाला, फिर करना पड़ जाता है। नहीं बातचीत वाला सीन ऐसा है, नंबर नंबर है, सब कुछ नहीं बड़ा बढ़िया है वो। यार उठना बैठना नहीं है वैसा, बीइंग ऑनेस्ट मेरे को ऐसे उठने बैठने ऐसी खास जान पहचान नहीं है। जानते हैं पहचानते मिलता है, साहिल अच्छे से जानता है, बट साहिल बढ़िया आदमी है। साहिल रुक के बोल ले
और भाई हल्द्वानी में रोडों का हाल देखो भाई, कितना गंदा हो रहा है भाई। ये वॉक पे क्या आगे, ये वॉक पे क्या आगे का सीन है, धूल ही धूल हो रही। गाड़ी अंशुल भाई की हमारी सफेद से काली होने वाली है। और कह रहे हो ये मेरे को रैप कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रैप कराने की। अब अंशुल भाई तो कह रहे अपने पॉलिटिशियन बनी रहे हैं, तो बोल रहे पॉलिटिशियन कहां से आ गया। ये चाचा ने हमारे बोल दिया भाई, अंशुल भाई का सीन नहीं हो रहा है। अंशुल भाई कह रहे हैं अंशुल भाई तुम वो कम निकाल लो, कह रहे थे दो फॉर्चुनर एक कार निकालनी, कम निकाल लो। जिस दिन मेरी ऑडियंस आ गई इस लायक और मेरी ऑडियंस ने इस लायक बना दिया, ले लेंगे भाई। मेरी ऑडियंस क्या, मेरे 100 के करा दो भाई। तुम थार कह रहे हो ना, तुम थार कह रहे हो ना भाई, तुम जो गाड़ी कहोगे वो निकलेगी, 100 के में निकलेगी। और बताओ तुम, चाहे मुझे अपनी जेब से डालना पड़ जाए पैसा, और डालूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कराओ भाई, कराओ भाई के 100 के कराओ फिर यार, जल्दी कराओ। अंशुल भाई तुम्हें ऐसी गाड़ी में का बैठने का मौका दूंगा ना, बैठेगा चलाने का मौका। इन पे ज्यादा होगी, बस थोड़ी वो पीली होगी, काली होगी तो तब ज्यादा शूट करेगी। कोई नहीं यार, कपड़े डाल लूंगा उसके हिसाब से। जाट प्रभजोत चला गया नौकरी, जाट प्रभजोत की बात हो रही है। नहीं नहीं, एक राइडर लव जाट है। वो कुछ नहीं करता है, बस वो सुविधा क्या है। घूमने ब्लॉक के लिए गया था ना, एक ही बार गए ना। हाँ, मैं एक महीने के लिए गया ना, फिर लेके फुल पावर मुझे लेके आया। एक महीना थाईलैंड, एक महीना वियतनाम। यहाँ भी तुम ये सब दिखा रहे हो यार। ये डाला ही नहीं मैंने, लिया ही नहीं है। क्या ये लिया ही नहीं था मैंने, तू भी मत लेना ले। नहीं हो दो ज्ञान दो जरा यार, हमें ज्ञान दो। तो भाई हमारे सामने अभी अपने बड़े भाई रोहित पहाड़ी ब्लॉग्स, ठीक है। तो मैं तो भाई की वीडियो बहुत पहले से देखता हूँ, अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है देखने। और अपने सामने तो भाई और अच्छा लग रहा है। कैसे हो आप लोग? बढ़िया है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा भाई तुमसे मिलके। सच में जोशी से मिलके तो अच्छा ही लगता है। अब चाहे सौरभ जोशी हो या अजय जोशी हो, सबसे मिलके अच्छा लगता है। ऐसा नहीं भाई, भाई सबसे सौरभ भी अच्छा है। बाकी मैं तो फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस है, मजा आ रहा है। तो बाकी भाई कहते हैं करेंगे साथ में ना कुछ कैंपिंग वगैरह भी करेंगे। बढ़िया कैंपिंग। मैं अभी अपनी गाड़ी में रूफ टॉप टेंट लगाने वाला हूँ, जल्दी तुम्हें मिल जाएगा। बस थोड़ा सा आजकल क्या है, सब्सक्राइब कर दो, पैसे कमा कर दो भाई। रोहित पहाड़ी ब्लॉग्स को तो करो फुल पावर तरीके से। फुल पावर तो बोलो फिर, उधर देखो उधर। अच्छा फुल पावर, फुल पावर क्या क्या? हाँ फुल पावर बोल दो भाई, फुल पावर। बाल में मजा आ गया यार, सेक्सी बाल है। इसको ये कोरोना के दिन है, कोरोना के दिन है, कोरोना में यही करा गया। कोरोना से ब्लॉगिंग शुरू कर दे तो क्या हो जाता है? कोरोना में बाल छोड़े और बाल आज तक चल रहे हैं। मेरे बाल महंगे ऐसे हैं यार। तुम्हारा एंगल ना हमेशा गलत रहता है, तुम्हारा एंगल हमेशा यूँ रहता है, तुम्हारा एंगल यूँ होना चाहिए ताकि ताकि तुम्हारा यहाँ तक कवर जाए। वाला तुम्हारा मैं देख रहा था कि उसमें बड़ा बड़ा ऐसे आ रहा, ऐसे कैमरा है, ऐसे कैमरा हमेशा ऐसे होना चाहिए ताकि तुम पूरे हाँ थोड़ा इस टाइप का ये तुम यहाँ से पकड़। चलो भाई यार, तुम्हारी शूटिंग कर लेते बुला दी लड़की, बुला दी ठुमक 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 ठुमक। अबे इंदर आगा सॉन्ग तो डिलीट हो गया। हाँ वो बड़ा गरा था। हाँ भाई बहुत गलत हुआ, गलत ही हुआ। लेकिन ये चलो कोई नहीं, अब इंदर भाई को इतनी पॉपुलरिटी मिल गई है उससे, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनकी मेहनत थी ना यार, वो अदन का गाने तो मैंने, और उत्तराखंड का पहला गाना यार ऐसे चली गया सारा गाने में दम खाना भाई। 2018 में मेरा भी एक 30 मिलियन वाला वीडियो उड़ाता था, 100 मिलियन जाता उसमें पर डे के 1 मिलियन। तो अभी तक आया नहीं हो भगवान, तो तभी उड़ गया। अच्छा हुआ कि मैंने अपने रावण के लंका में 1 रुपए का म्यूजिक कहीं नहीं लिया, वरना वो उड़ जाएगा तो मेरा भी नुकसान। म्यूजिक किसी ने लिया था क्या? मैं लगाता नहीं म्यूजिक किसी गाने में, नहीं लगाया था। कल देख चेक कर लो मेरे म्यूजिक, ये हाल में तुमने किसी में म्यूजिक नहीं लगाया? कहीं चेक कर लो तुम्हें, कहीं म्यूजिक मिल जाएगा तो। भाई साहब मेरे को एक बार ना 3 मिलियन वाली वीडियो में कॉपीराइट मारा, पहले नहीं दिया कॉपीराइट, 3 मिलियन जाने के बाद कॉपीराइट मारा। मैं कहा जिंदगी में मैं खुद गालूंगा बस। अबे यार सबकी अच्छी आवाज, हमारी अच्छी आवाज नहीं है ना। कुछ भी कर लो तुम। हाँ वो यूट्यूब से कॉपीराइट फ्री आते हैं, बट कहता हूँ मजा नहीं आता है। तो भाई अभी का सीन है, रोहित भाई की चल रही शूटिंग, रोहित भाई की शूटिंग इसलिए चल रही है क्योंकि अंशुल भाई को अपने चैनल के लिए अपने इंस्टाग्राम के लिए रील्स चाहिए। और ये मैं बता दूं, वैसे तो मैं रील्स रैंडम लोगों की बनाता हूं, बट ये दूसरा मेरा दोस्त है इसकी मैं बना रहा हूं। हाँ। पहली मैंने बॉबी की बनाई थी, इन्हीं ने खुद अपने उससे बता दिया भयंकर आईडिया, मस्त कंटेंट भी है। और रोहित भाई हमारे स्मार्टी इतने बढ़िया, तो मैं खींचूंगा इसलिए। हां खींचो खींचो। तो शूट चल रहा भाई इनका, एक्सक्यूज मी मैम,
एक्चुअली वैसे बाय द वे मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ और मैं अभी आपके कुछ फोटोज लूंगा जो आप अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो। चलो ओके चलो दौड़ पे ओके भाई।